वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गजलों के शो नहीं करता है, मतलब फेमस आर्टिस्ट के होते हैं जैसे पंकज जी का है अभी एंड काफ़ी फेमस लोगों के शोज होते हैं, लेकिन कोई यू नो अपकमिंग सिंगर गज़ल का शो नहीं करता है इन बोरेवली स्पेशली। तो मैंने सोचा किसी ने तो शुरुआत करनी ही है, तो लेट मी ब्रेक द बार एंड लेट मी एटलीस्ट मेक एन अटेम्प्ट टू पुट अप अ फैंटास्टिक गज़ल शो एंड दिस इज़ द बिगिनिंग। इस शो में हमने मैक्सिमम लोगों मतलब मैक्सिमम लीजेंडरी जो है सिंगर्स जैसे कि जगजीत सिंह जी हैं, फिर फरीदा खानम जी है, मेहंदी हसन साहब है, हरिहरन जी है, तलत अजीज साहब है, सबको हमने जितना कवर कर सके, लता मंगेशकर जी हैं, सबको कवर करने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई रह गए हैं तो अगले शो में हम जरूर इंक्लूड करेंगे। जी हाँ, सुनने वाले हैं गजल के शोज हैं ना, इट इज़ नॉट फॉर मासेस, इट इज़ फॉर क्लासेस। तो नीश कैटेगरी के ही लोग आएंगे, नीश कैटेगरी से ज़्यादा जिनको संगीत सुनने से लगाव है, जिनको शोर शराबे वाला संगीत पसंद नहीं है, सुकून वाला संगीत पसंद है, वही लोग आएंगे। और ये शोर शराबे के ज़माने में यू नो गज़ल ज़रूर कहीं लुप्त होती जा रही है, बट नहीं, काफ़ी अच्छा काम भी हो रहा है गज़ल में। खजाना फेस्टिवल होता है जो बहुत ही मतलब चर्चित है फेस्टिवल, तो ऐसे कई फेस्टिवल्स होने चाहिए जिसकी वजह से कई यू नो अपकमिंग सिंगर्स गजल गाना जरूर पसंद करेंगे। ये भी कहा कि फिल्मों में अगर गजल आती है तो लोग और सुनते हैं और देखते हैं, और बढ़ती है, तो ये फिल्मों में कम हो चुकी है। फिल्मों में गजलें ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन अगेन टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, सो बॉलीवुड म्यूज़िक इज़ ऑफकोर्स अमेजिंग, बट बॉलीवुड म्यूज़िक जब बनता है तब मासेस के बारे में सोचते हैं ज़्यादा कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करेगा ये, तो उसमें गज़ल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद लोगों को अपील ना करे, लेकिन होश वालों को खबर क्या, ऐसी कई जगजीत सिंह जी की गज़लें हैं जो फेमस हुई है, और कई गाने हैं, मतलब लोगों को लगता है गाने हैं लेकिन वो गज़लें हैं, जैसे हमने आज गाया रस्म उल्फत को निभाए, अगर तुमसे मोहब्बतें, ये सारी गज़लें हैं मदन मोहन साहब ने कंपोज की हुई, तो टोटली ऐसा तो नहीं बोल सकते कि गज़लें लुप्त हो गई हैं, बस कई बार लोगों को मालूम नहीं होता कि ये गाना नहीं बल्कि गज़ल है। से ये कहना मतलब इसको आप नहीं देखो सर कि कौन सा फेवरेट सिंगर आपको गज़ल लगता है, क्या ये और उनकी गज़ल अक्सर सुनते आप? बहुत मुश्किल है, लेकिन जगजीत सिंह जी इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट एंड ही विल ऑलवेज रिमेन। अभी फ़िलहाल तो हरिहरन साहब हैं, उनकी तो मैं फ़ैन हुई, पंकज उदास जी कई शोज़ करते हैं, तो ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि यू नो कोई एक फेवरेट, क्योंकि बहुत सारे हैं। एक कोई लाइन किसी अभी ब्रेक के पहले जो हमने गाई जगजीत सिंह साहब जी की गज़ल, वो मैं दो लाइनें गाना चाहूँगी। के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम मुझे डूब के मर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने।